कोलकाता ने मुंबई इंडियंस को ऑफिशियली आउट कर दिया आईपीएल से, और ये मुकाबला बड़ा जबरदस्त रहा यहाँ पे। लेकिन यहाँ जिस तरीके से मुंबई इंडियंस खेली है, ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस सीजन की कहानी रही है कि यहाँ पे जिस तरीके से मुकाबला अपने पक्ष में रखते हैं शुरुआत में, लेकिन उसके बाद में एक साथ मुकाबला जो है गंवा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो सबक है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अंदरूनी कलह जो है आपकी वो सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, और वो आपने दिमाग में इतनी घुसा ली है वो चीज के यहाँ पे आप परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है। मैं मुंबई इंडियंस की बात कर रहा हूँ, हार्दिक पांड्या वर्सेस रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ, जो कप्तानी से हटाए जाने के बाद में जो परफॉर्मेंस आई है, मुझे लगता है कि ये दोनों ही टीमों के लिए, दोनों ही खिलाड़ियों के लिए अच्छी नहीं रही है। और ये हो सकता है कि वर्ल्ड कप में भी आपको दिखाई दे ये चीज, अगर ये चीज अगर वर्ल्ड कप में दिखाई दे गई तो मुझे लगता है कि इंडिया का T20 वर्ल्ड कप तो वैसे ही खराब हो जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस किसी की आई नहीं रही है, क्योंकि दबाव में इतने ज्यादा हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इस मुकाबले की मैं बात करूं तो यहाँ पे कोलकाता ने यहाँ पे 170 का टारगेट यहाँ पे सेट किया था मुंबई इंडियंस के सामने। मुंबई इंडियंस वानखेड़े स्टेडियम में 170 रन चेज नहीं कर पाई, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज रहा मेरे लिए, क्योंकि जब बेंगलोर ने 196 बनाए थे तो वो 15 ओवर में चेज कर लिए थे जब RCB ने जब बनाए थे, लेकिन इसके बाद में क्या कि बॉलिंग के सामने वो ढेल हो गए, 145 तक सिमट गए यहाँ पे मुंबई इंडियंस, और वो भी 8 गेंद रहते। तो यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे मुकाबला जो है ऐसा रहा कि यहाँ जीत लिया कोलकाता ने, और ऐसा मुकाबला जीता कि यहाँ जिसकी शायद उम्मीद किसी ने की हो, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में 12 साल बाद मुकाबला जीती है। तो इतना मैच का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हैं, नमस्कार।